करोट नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 में दो प्रमुख पार्टियों के तो दो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। सब अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं और यह जता रहे हैं कि हम ही जनता के चाहते हैं। आइए जानते हैं कौन जनता के लिए क्या कहता है। किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में? मेरा लक्ष्य है, जैसे मैं चुनाव जीतता हूँ वार्ड नंबर 10 से, मैं अनिता लालचंद माली, तो पहला मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यह जो रोड है, ये कई 10 वर्षों 15 वर्षों से बहुत खंजर और ख़त्म हो गया, इनमें गड्ढे हो गए। तो गड्ढे इस कारण से हुए कि पहले जो पार्षद थे इन लोगों ने कोई कभी ध्यान दिया नहीं है। मैं जो जाता हूँ वार्ड में, तो वार्ड का लोगों का कहना है कि पुराने पार्षद थे वो तो कभी जीतने के बाद फिर वापस लौट के नहीं आए, उससे हम बहुत परेशान हैं कि ये रोड। तो मैंने उनसे वादा किया है कि जैसे मैं परिषद में बैठूँगा तो सीसी रोड बनाऊँगा, सबसे प्राथमिकता मेरी रहेगी। दूसरा रहेगा नालियों का भी थोड़ीकरण करवा कर उसको थोड़ी ऐसा व्यवस्था बना दे कि ताकि नाली का पानी रोड पर नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि माली मोहल्ले में जो शीतला माता का मंदिर है वो पूरे गरोट के लोग तो शादी होती है तो यही पूजन करने आते हैं, तो वो क्या नंगे पैर आते हैं, बैंड भी आता है, बाजा आता है, लाड़े दूल्हे दुल्हन भी आती है साथ में, तो उनको परेशानी रहती है ताकि नालियाँ बंद हो जाती है तो पानी सड़क पर उतर जाता है, और पानी में सड़क पर उतरने के बाद पैर में जो किचन हो जाता है तो लेडीज़ को या आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। और रोड ये ऐसा रोड है कि आस पास के जो गांव है ये रोड वहाँ से भी लगा हुआ है ना, और व्यवस्था जो स्ट्रेट लाइने जो है ये सब खंजर हुई है। अगली बार रात को लाइटिंग जाती है, करीब 5 साल हो गए इनको, ये 5 साल हो गए इनको हम फोन लगाते हैं, हमारे संगठन के हिसाब से तो काम चल जाता है, बाकी इन लोगों ने पार्षदों को भी चीज पर ध्यान नहीं दिया है। तो पहले भी वार्ड नंबर 10 से बीजेपी के ही पार्षद थे, उनके द्वारा कोई काम आगे ना वही के वार्ड नंबर 10 से शिवलाल को पार्षद था, उसने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, क्योंकि उसको घर से ही काम पसंद थी, इसलिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। और समय टाइम वार्ड में टाइम देते तो आज शायद उनको ये परेशानी नहीं आना पड़ती, टिकट नहीं काटती जाए सरकार उसको का, तो उनको टिकट काट कर मेरे को इसलिए दिया है कि मेरे कोरोना काल जो चला था 2 साल पहले, तो उस कोरोना में मैंने घर घर जाकर सबको खाना दिया, घर घर जाकर किमाड़ बजाया 9:30 बजे को रोटियाँ बाटी मैंने, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, पार्टी वालों ने मेरी कुछ कदर करी है, और यहाँ के जो मैं भी जा रहा हूँ जनता के बीच में तो लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया है कि हाँ ये आगे अपने लिए कुछ कर सकता है। कुमार सामने जो है हाँ, और सिवा पार्षद खड़े हुए हैं कांग्रेस के, उनको किस आँख से ना देखते हो? तो जो आज से 5 साल पहले था, उससे पहले ही 5 साल पहले गोपाल जी नजर हमारे वार्ड के ही पार्षद थे, वार्ड नंबर 10 के, तो उनकी कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ। उससे पहले जो अभी भी वर्तमान में उससे 9 वार्ड में थे, तो वहाँ भी उन्होंने ऐसे ही कार्य किया, अगर वहाँ अच्छा कार्य करते तो मेरे वार्ड में टिकट दी, उस वार्ड में टिकट मिल जाता उनको 9 में, फिर 10 में आने की जरूरत पड़ जाती उनको, तो उधर भी काम नहीं किया है, उधर की स्थिति उनसे पहले की ऐसी हो रही है। और उससे हम अगर हमारी परिषद बैठती है भारतीय जनता पार्टी गरोट के अंदर, तो ये अनिता लालचंद माली एक नंबर काम करेगा, और वैसा मेरा विश्वास है, और आपकी सेवा में 24 घंटे रहूँगा, जब भी मेरे को जनता याद करेगी वार्ड की तो मैं उसकी एक बार मुझे आशीर्वाद दे, और एक बार मुझे आपका आशीर्वाद दे भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को अजीत सिंह गीता में लालचंद माली अनिता लालचंद माली को विजय बनाए। धन्यवाद। वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी हैं कौन है और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? प्रथम मुद्दा यह है कि रोड की जो रहनी स्थिति बनी हुई वार्ड में, अगर जनता मुझ पर विश्वास करती है तो मैं सोटी से खड़ा उतरूँगा, और मीटिंग का पहले एजेंडा मेरा रहेगा रोड को प्राथमिकता देना, और BPL कूपन बनाना, अगर मेरी पेंशन विधवा पेंशन तो सबको देना समय पर, कोई भी मतदाता अगर मेरे से उम्मीद लेके मेरे घर आता तो उनके साथ जगह उनका काम कराना, उन्होंने मेरे से गलती ईश्वर से मैं चाहता हूँ मैं इस गलती ना करूँ और जनता की कसौटी पर खड़ा उतरूँ। पहले क्या गलती हुई थी? पहले गलती में वार्ड में जा नहीं पाया था। कौन सा वार्ड में? वार्ड नंबर में, वरना मैंने काम भरपूर कराया है, वैसे अगर कोई शिकायत करता तो मैं जाना पहुँच जाऊँ, फुल काम कराया मैंने, हर गली में रोड बनाया, पाइप लाइन गड़ी, पोल गड़ाए, और सारे जितनी भी गली थी उस वार्ड की सब में सीसी रोड बनवाई, एक ही कमजोर थी मैं जा नहीं पाया, बाकी मैंने आवास योजना का लाभ दिलाया, वृद्धा पेंशन दिलाई, उसके बाद मैंने जो बीपीएल कूपन बनवाए, अब अगर वार्ड नंबर 10 की जनता अगर मेरे पे विश्वास जताती है तो मैं कसौटी पे खड़ा होता हूँ, उनकी जो धैर्य मत उनका मत का उपयोग सब करता हूँ।
सर, वार्ड नंबर 9 के अंदर आज भी रोड नहीं बन पाया, इसका कारण क्या रहा? मैंने तो मेरी तरफ से चुनाव जीतने के 10वें दिन ही शायद रोड बना दिया था, पर पाइपलाइन डलने कारण रोड वो डैमेज हो गया। पर नगर पालिका की पाइपलाइन डली उसके द्वारा रोड खत्म कर दिया गया। अनिल जी ठेकेदार ने रोड बनाया था, अगर कोई जनता कहती है रोड नहीं बना, मैं रोड बना देता हूँ। वार्ड नंबर 9 के अंदर बहुत सारे काम अभी भी बाकी है, नहीं कर पाए, इसका कारण क्या रहा है? पक्षपात वाला निर्णय था, अध्यक्ष महोदय बीजेपी बैठे हुए थे, सत्ताधारी में नहीं था, फिर भी मेरे से हुआ जो संभव मैंने कार्य किया। और अब वार्ड नंबर 10 से मैं चुनाव में पत्नी खड़ी हुई है और मुझे आशा है कि वो जीतेगी और जनता जिताएगी और उनके सहयोग से मैं चुनाव जीतूँगा और उनकी कसौटी में खड़ा होती हूँ। ये मैं समस्त वार्डवासियों से निवेदन करता हूँ कि आपकी कसौटी में खड़ा होती हूँ। वार्ड नंबर 10 में आपकी पोती भी आपके सामने चुनाव लड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रजातंत्र है, सब स्वतंत्र का सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, प्रजातंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये दादी पोती का संघर्ष चल रहा है चुनाव वार्ड नंबर 10 में, कैसा लग रहा है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, जिसके नसीब में जीत लिखी होती थे और जिसके अध्यक्ष में इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में अपने वार्ड के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में अपने वार्ड की समस्याओं को देखेंगे, हर एक वार्ड नंबर 10 में से कौन सी समस्या है जो हल करना चाहते हैं? निर्दलीय प्रत्याशी आपकी बेटी है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? तो क्या करीब करीब काम तो मैंने सारे करवा दिए हैं, वार्ड नंबर से है, समस्या डामर की है और कुछ नालियों की समस्या है। डामर का कार्य भी हमने 3 साल पहले से करवा दिया था, किसी कारण से ठेकेदार ने काम चालू नहीं किया, पेंडिंग है। ठेकेदार की अमानत राशि की नगर पंचायत में जमा है, अब वापस जितने जाएंगे तो उस कार्य को सुचारू रूप से करवाएंगे। नंबर 10 से प्रत्याशी हैं और हमारी दादी भी चुनावी मैदान में है कांग्रेस से, तो दोनों आमने सामने दादी पोती कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? एक नंबर चुनाव ये लोगों की समस्याओं के लिए, चुनाव लोगों की भलाई की करने के लिए होता है, इसलिए मैं वही देख करके दादी सामने आई। श्रीमती जी चुनावी मैदान में है और यदि आप वार्ड नंबर 10 से विजय प्राप्त करते हैं तो किन किन समस्याओं को हल करेंगे? सर्वप्रथम तो जो नगर परिषद के माध्यम से जो योजना आती है उसको जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाना है, जैसे आवास योजना है जो पात्र है उनको दिलाना है, वृद्धा पेंशन है उनको दिलवाना है। सर्वप्रथम हमारा एक ही कार्य रहेगा, सबसे मुख्य मुद्दा सबसे कि हमारे सितना वर्षा जो रोड है जर्जर हालत में है उसका निर्माण करना हमारा पूरा सबसे पहला लक्ष्य वही है। वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हैं वो पार्षद पद के, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर है, एक गरीबी रेखा की कूपन है, दूसरा अपने ये वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है महिलाओं को, और एक जो शीतला माता मंदिर रोड है वो बहुत खराब है, वहाँ पूरे देश मतलब गाँव की करोड़ की महिलाएँ आती हैं, तो उस रोड की स्थिति ज़्यादा खराब है, विचार ज़्यादा नहीं है। इसका निर्माण करना हमारा लक्ष्य है, जीतने के बाद ये कार्य हो जाएंगे? हाँ, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगी।